त्योहारों और राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जल्द आने के मद्देनजर अयोध्या में की गई अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है और 10 अतिरिक्त कंपनियों को शहर में तैनात किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दोपहिया चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10,000 का चालान कटेगा। रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रयागराज के महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी को आमंत्रित न करने से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती नाराज। मायावती की मांग है कि दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी को भूमि पूजन में आमंत्रित किया जाए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,453 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,261 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हुई है और पूरे यूपी में अब तक 1630 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 3,705 नए मामले सामने आए थे।